1897 में भारत के पूर्व से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक ब्रिटिश हुकूमत अपने पैर जमा चुकी थी। भारत की एक सरहद अफगानिस्तान से जुड़ी थी, जहां पर अमेरिकी सल्तनत थी, जिसने ब्रितानी हुकूमत से समझौता कर लिया था। लेकिन अफगानिस्तान की उस सरहद पर कई कबीले ऐसे भी थे जो ना उस समझौते से राजी थे और ना ही उन पर अमीर का जोर चलता था। ये कबीले सरहद पार से आकर भारत की धरती पर अक्सर हमले करते थे। उन्हें रोकने के लिए समना घाटी, फोर्ट गुलिस्तान और फोर्ट लॉकहार्ट पर 36वीं सिख रेजिमेंट के 300 सिपाही तैनात किए गए थे। लेकिन कुछ कबीले एक सरदार के नेतृत्व में जुड़कर अपने हौसले और इरादे बुलंद कर रहे थे। एक विशाल हमले का खतरा सरहद पर मंडरा रहा था और इस बढ़ते खतरे का ब्रितानी हुकूमत को अंदाजा भी नहीं था। देखा सुल्तान, अगर मेरे खून का एक भी कतरा गया तो तू जीता। दम देखा सुल्तान, दम देखा। तुम्हारे को सीखने के लिए भी बहुत कुछ है सुल्तान, बहुत कुछ है। भाईजान, पर आप ही से सीखा है जंग के मैदान में रहम नाम की कोई गुंजाइश नहीं। जिस दुश्मन का ध्यान बढ़ जाए सबसे पहले वार उसी पे करना। भाई और दुश्मन में फर्क होता है, तो भाई है गुलबादशाह मनसूबा नाकामयाब रहा। वक्त आ गया है उन फौजी सरदारों को जवाब देने का। वक्त आ गया है अपनी ताकत बढ़ाने का। Is here to brief us. हमसे कुछ कहना चाहते हैं। छत्तीस सिख रेजिमेंट 160 बंदे आपके सामने है साहिब, आगे पोजिशन पर। हमारे
हमें खबर मिली थी कि सरहद पर हलचल है, कुछ अफगान हमले की फिरक में है और ये खबर सच निकले। सुबह हमारी यूनिट के मेजर डेबू और 3 फौजियों पर हमला हुआ। हमले करने वाले लोपटे और एक्साइज कुल बच्चा। जहाने की वजह पते हिंदुस्तानियों के खिलाफ पते। आज का हमला आखिरी हमला नहीं था। मुझे यकीन है कुल बच्चा फिर तैयारी करेगा और बड़ी तैयारी। मैं सर, सर अफगानिस्तान के अमीर के साथ हमारी ट्रीटी है जिसका मतलब है कि आमना घाटी हिंदुस्तान का हिस्सा है। आमिर का फैसला मेरा फैसला नहीं है मोहम्मद अल्लाह, हमारा फैसला नहीं है। एक लकीर खींच देने से ये जमीन उनकी नहीं हो जाती। दमना घाटी ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी यानी हिंदुस्तान का इलाका। यहाँ मौजूद है ये दो किले, फोर्ट लॉकहार्ट जाम कर रहे और दूसरा फोर्ट गुलिस्तान। इन दोनों किलों के बीच 3 किलोमीटर की दूरी है और हमें इन्हीं 3 किलोमीटर की रक्षा करनी है। लेकिन डर कैसा साहब, हम उन्हें आराम से हरा देंगे। गुलबादशाह के पास अगर 300 तो दोनों किलो को मिलाकर हमारे पास 500। वो 300 नहीं है हीरा सिंह, मैं अपनी ताकत तो बढ़ाने आया हूँ। अगर तुम्हारे और मेरे खेमे एक हो जाए तो 300 से 1000 हो जाएंगे। वो 5000 भी हो सकते हैं और 10000 भी, पर हम शायद 500 ही रहेंगे। हामी भरो मेहमद अल्लाह। मैं हामी नहीं भरूंगा गुलबादशाह, मुझे तुम पर यकीन नहीं है। यहाँ आकर एक होने का सबक तो दे दिया गुलबादशाह, पर अपने इस भाई को सबक नहीं दे पाए तुम। जब इसने मेरी बहन के साथ धोखा किया तब कहाँ थी तुम्हारी यह तकरीर, यह जज्बा? यकीन का सिक्का जीत से जीता जाता है गुलबादशाह, भीख में नहीं मांगा जाता। ये जंग का मसला है, आपसी रंजिश का नहीं। जो आपसी रंजिशों में ईमानदारी ना दिखाए वह जंग में क्या दिखाएगा सुल्तान अली। महमदुल्लाह अपनी जबान पे लगाम खींच, अपने औकात में रह सुल्तान। मिलेगा यकीन कस्से का महमद अल्लाह। जो बच्चों का इस्तेमाल करने से न कतराए वो सरहद पार कर सकते हैं। दुश्मन चाहे हद पार करे या सरहद, चाहे घोड़ों पर आए या हाथियों पर,
चाहिए। इस घाटी का नाम है सामना और यहाँ पे खड़ा हर एक फौजी उसका सामना करने के लिए तैयार है। मिट्टी साथी मिट्टी है साहेब, साथी जमीन है हिंदुस्तान की, थी हमेशा हिंदुस्तान की रहेगी। सरहद की लकीरें क्यों ना मिट जाए, हम उन लकीरों को अपने खून से सींचेंगे। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कहा था, सवा लाख से एक लड़ावा, तेरा गोविंद सिंह नाम कहावा। दुश्मन चाहे 2,000 हो या 10,000, छत्री सिंह रेजिमेंट का हर एक फौजी उसका मुंह तो जवाब देने के लिए तैयार है। बुरा ना माने तो एक बात बोलूं। Of course, चांस सिंह। साहब टेलीग्राफ लाइन की रक्षा करके और सरहद में गश्त भेजकर हमसे वर्तमान की सोच रहे हैं, जबकि हमारा दुश्मन भविष्य की तैयारी कर रहा है। तो हम भी अपनी भविष्य की तैयारी करेंगे, बस किसी तरह अपनी फौज बढ़ानी होगी। But sir, reinforcements clear, headquarters ने मना कर दिया है। What can we do? साहिब मेरी बीवी मां बनने वाली है, छुट्टी के लिए दरखास्त डाली थी पर छुट्टी मिली नहीं। साहिब मैं छुट्टी चाहता हूं। मैं नहीं देना चाहता। साहिब मेरा घर जाना बहुत जरूरी है। I said, छुट्टी नहीं मिलेगी। क्यों छुट्टी नहीं मिलेगी? 6 महीने पहले बताया ना। I don't know, Vita Singh. Come on, don't be shy, old chap. Nothing to worry about. Closer. Closer. Come on. A bit closer. A bit more closer. That's perfect. So tum apne senior officer ke hukum mana kar rahe ho? Woh baat nahi sahab. Mujhe jaane do, main 2 hafton mein wapas aa jaunga. Mana kar diya na. Aap afsar log bhi to jaate ho chhutti par. पिछले महीने आप ही तो गए थे ना। अगर आपको छुट्टी मिल सकती है तो हमें क्यों नहीं? क्या हम इंसान नहीं है? Stop! बुटा सिंह, या तो भी मुझसे माफी मांग लो या फिर सजा लेने के लिए तैयार हो जाओ। 3 तक गिनूंगा, माफी मांग लो। माफी मांगो। Apologize, Bhuta! Apologize! Kamala Naman, maafi mangla. Ek! 3! Both of you!
से बचकर रहना। कमजोर नहीं है बुट्टा सिंह, जो गुलाम बनकर इनके आगे झुक जाए। फौज में इसलिए भर्ती नहीं हुआ कि ऑर्डर पहनूं, उनके सम्मान कमाने के लिए हुआ हूं। चल तो वीरे ठीक है? तो ठीक है सर। बॉजी ना मिले, बॉजी ना मिले। अब क्या होना है पुत्र? चल चल के कट्ठे रोटी खाइए। कट्ठे रोटी खाने आ। जिंदा बोले आया बाबू जी। आ जा आ जा इशर है पुत्र, आ जा बह के कट्ठे रोटी खाने आ।
मंत्री है। मेरे से गया बापू, तेरा पुत्र जंग के लिए सिपाही चाहिए। रोते बिलखते बच्चे नहीं, ये बात अपने दिल और जहन में डाल लो। याद में सिपाही का खून जाता है। मां सुने, टोटली 17 इंजर्ड सोल्जर्स, बट थैंकफुली सभी खतरे से बाहर है। हर एक गोली के लिए एक दुश्मन, बट अगली बार अगर जंग होगी तो असला काफी नहीं होगा। यस चंद सिंह, गुरुद्वारे में अरदास की थी साहब, ये प्रसाद। अरदास इज प्रेयर,
सब थैंक यू चांसलर सब इट्स वेरी टेस्टी थोड़ा और मिलेगा बिल्कुल सर थैंक यू सब आप सब गुलिस्ता के फौजियों के लिए कढ़ाई पर प्रसाद अब करदली के पास रखवा दिया शुक्रिया और हाँ चंद सिंह अगली बार जब अरदास करो तो ये मांगना की कोई और अक्साई वापस जिंदा ना लौटे नहीं लौटेंगे साहब इस बार ही 1000 आए थे अगली बार 2000 आएंगे फिर भी हारेंगे जंग जीतने के लिए असला नहीं लगता साहब जज्बा लगता है तुम ठीक कह रहे हो चंद सिंह अगली बार और अक्साई 200 की नहीं 2000 की तैयारी करेंगे और अगर लॉकहार्ट पर अटैक हुआ तो गुलिस्तान को मदद करनी होगी और अगर गुलिस्तान पर हुआ तो लॉकहार्ट को हमें बस ऐसी तरकीब सोचनी होगी जिसे दो किले एक दूसरे को मैसेज पहुंचा सके एक ऐसी तरकीब जिसे औरकज़ाई टेलीग्राफ लाइन की तरह काट न सके और हम दुश्मन पर नजर रख सके इट्स एब्सोल्युटली इंपेरेटिव दैट वी डू दिस सर वी हैव अ लॉट एट स्टेक यू आर एब्सोल्युटली राइट मेजर कारतूस से खेलने की उम्र नहीं है तेरी चल नीचे आ कारतूस के बिना बंदूक किस काम की ए तुसी रख लो पहला फिर दे दे मेरे काम तुसी रख लो मेरी आप रोटी नहीं खा रहे तू खा फिर मैं बाज खाना है इसकी चाची ने सब कुछ सिखाया लेकिन डरना नहीं सिखाया इतना अच्छा जाएगा सब पढ़ कर ले आएगा तो सुट भी देगा और काट लेगा तेरे को तेरी पोस्टिंग ठीक है पोस्ट में ठीक नहीं है बाबा जी क्यों अफगानियों का एक कबीला है और अक्साई नाम से उस सामना घाटी पर हमला कर उस पर कब्जा करना चाहते हैं आप समझो बाबा जी ये रोटी हमारी जमीन है इस जमीन की सरहद पर ना और सही खेमे है साड़ी जमीन पे वो किले है किला लुकाट ते किला गुलिस्तान हमारी 36 से रेजिमेंट इन दोनों किलों का ध्यान रखती है और उपजाई दोनों किलों पर कब्जा कर ये जमीन को हड़पना चाहते हैं लुकाट की मदद सिर्फ गुलिस्ता कर सकता है और गुलिस्ता की मदद सिर्फ लुकाट कर सकता है ये दोनों की मदद करेगा तू आजा आजा रोटी खान दे तू ही खा पुत्र जी बाबा जी सत्यकाल सरदार जी सत्यकाल पुत्र जी मैं मिंटू वो गुरुद्वारे वाले भाई जी का भतीजा आ जाओ फिर रोटी खा ले नहीं जी आप सिखा दो जी मैं नहीं खाना आपको याद है जी वो मैं खेतों से मूलिया चुरा के आपको देता था और आपके बाग में भी बहुत बार मैंने अंबिया चुराई थी असल में लस्सी भी पी रही थी कितनी बार अपनी तारीफ ही करता रहेगा या आगे भी कुछ बोलेगा वीरे हाँ जी हाँ जी अब मुझे भाई जी ने बुलाया आपको गुरुद्वारे में एक पहलवान आया हुआ बरनाले से जी कुछ गंभीर मसला लगता है जी बरनाले से और बरनाले में जो बूटा रहता ये पहलवान कौन है आओ बाबा जी सासिकाल जी सासिकाल ओए बूटा की होया पुत्र है ब्राली ओए इत्थे की होया ओए इत्थे ओए खेतों वाले मसले कके बैठ जा सासिकाल जी सासिकाल जी सासिकाल ईश्वर सिंह की हाल रब दी मेहर जी तुहाडा आशीर्वाद ने सब ठीक ने ईश्वर सिंह
ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਪੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਹੱਥਬਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੁਝੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕੋ ਇਤਨਾ ਮਾਰਤਾ ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਾ ਪਹਿਚਾਣ ਪਾਤੇ। ਪਰ ਜਹਾਂ ਬੈਠਾ ਨਾ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਔਰਤ ਕੇ ਸਾਥ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰ ਰਹਾ ਥਾ ਔਰ ਉਸਕੀ ਫਸਲ ਜਲਾਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਇਸਨੇ ਔਰ ਧਮਕਾਇਆ ਅਲੱਗ ਪੁੱਛੋ ਇਸੇ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਸੇ ਲੋ। ਸੋਨਾ ਜੀ ਸੇ ਮਾਰਾ ਹੈ, ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਇਨਸਾਨ ਆ ਉਹ। ਰਾਹ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਦੇਣਾ, ਬਹੁਤ ਚੌੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਾਤ ਲਗਾ ਕੇ। ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਹੱਥ ਰੱਖ। ਅਲਵਿੰਦਰ ਆਰਾਮ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਨ ਦੋਨੋਂ ਕੋ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਸੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਦੇਖਣੇ ਆਇਆ। ਮਾਫ਼ੀ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾ। ਉਹ ਜੀ ਬੂਟਾ ਕੀ ਉਸੇ ਮੈਂ ਆਪਕੇ ਭਾਈ ਸੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੇ ਕੇ ਲਿਏ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੂਟਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੇ ਸੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਥੋੜੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੀ ਤਿਆਰ ਆਪਕੇ ਭਾਈ ਸੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੇ ਕੇ ਲਿਏ। ਉਹ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਹਮਸੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਮਨੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਆਪਕੇ ਭਾਈ ਨਾਰ ਸਿੰਘ ਸੇ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਕਿ ਵੋ ਵੀ ਉਸ ਔਰਤ ਸੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲੇਤਾ ਤੋ ਵਧੀਆ ਥਾ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਸੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੈ ਤੋ। ਪੰਚਾਇਤ ਕਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਲੈਤੇ ਹੀ ਨਾ। ਉਹ ਜੀ ਮੈਂ ਗਾਵਲ ਲੋਕਾਂ ਸਨਮਾਨ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਤੇ ਜੀ ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਲੋਕ। ਮਾਫ਼ੀ ਈਸ਼ਵਰ ਪੁੱਤਰ ਜਾਤ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬੇਟਾ ਚੱਲ ਚੱਲ ਗਏ ਸਰ। ਆਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਹਰਕਤ ਤੈਨੂੰ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੜੇਗੀ ਸਰਦਾਰ, ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ। ਮੇਜਰ ਡੀਬ ਕੋ ਆਰਡਰ ਹੈ ਲੋਕਾਟ ਔਰ ਗੁਲਿਸਤਾਨ ਕੇ ਬੀਚ ਇੱਕ ਬੰਕਰ ਤਿਆਰ ਕਰੇਂਗੇ ਤਾਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਾਮ ਸੂਰਜ ਡੂਬਣ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਜਾਗੋ 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 ਹੋਰ ਹੈ ਖੜੀ ਆਪਣੇ ਚਮਨ ਤੇ ਭਾਰੀ ਹੈ ਵਤਨ ਤੇ ਰਾਤ ਕੀ ਘੜੀ। ਜਾਗੋ 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 ਰਾਤ ਹੈ ਬੜੀ ਆਪਣੇ ਚਮਨ ਕੀ ਰਾਤ ਹੈ ਵਤਨ ਕੀ ਬੇਸਰਾ ਘੜੀ। ਕਿਵਾੜੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਮੇ ਯੇ ਲੋ ਤਲਵਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਨੋ ਕੀ ਢਾਲ ਤੋੜੇ ਸਭ ਕੀ ਰਹੇਂਗੇ ਬਾਰੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਾਂ ਪਗੜੀ ਬਾਂ ਸੀਨੇ ਮੇ ਕਿਆ ਹੈ ਤੂਫਾਨ ਘਰ ਸੇ ਸਿਰ ਗਿਰੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਪਕੜਨੇ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਫੌਜ ਇਹ ਬੰਕਰ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਬਲਾਤਾ ਹੈ ਬੰਕਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹਮਾਰਾ ਕੁਛ ਬਿਗਾੜ ਲੇਂਗੇ ਹੈ। ਹਾਥ ਕਾ ਬਦਲਾ ਹਾਥ, ਆਖ ਕਾ ਬਦਲਾ ਆਖ।
इश्क इंसान को सब कुछ सिखा देता है। हमारे गांव की नहीं थी वो, उसका खेत दरिया के उस पार था और मेरा इस पार। मेले में दर्शन हो जाते थे उसके, हिरनी जैसी चाल, नागिन जैसी चोटी। अपने दिल की आवाज उस तक पहुंचानी थी, सीख लिया मैंने निशाना बांधकर अमरूद उस तक पहुंचाना, और अमरूद के साथ एक चिट्ठी भी। वाह बोला सिंह। और अब ना वो भाग रहे और ना वो कुड़ी, और हाथ में रहेगी ये बंदूक कमीनी। ओ पोला सिंह। ये हो गया बोले, कुछ हलचल हो रही है। ओ कबीले वाले होने हैं, तेरी कहानी बड़ी बढ़िया, आगे सुना। और नहीं लाल सिंह जी, ये दूरबीन के साथ देख रहे हैं। मुझे लग रहा है ये किले की जासूसी कर रहे हैं। तुसी रुको, मैं देखता हूं इनको। वो की करन लग गया भोलिया। कोई नहीं, देख लेते हैं ऐसे भी। चलो देख लेते। जिंदा है क्या करें? गाय को सारा गड़ी भेज देते हैं, बाकी ईश्वर भाई तय करेंगे क्या करना है। साहिब सिंह जी, बाजी आप इसे ईश्वर पाजी के पास ले जाओ। जी बच्ची। और हाँ, पानी के छींटे मारते रहना, देखना कहीं मर ना जाए। जी बच्ची। अगर आप इस तरह बेचैन रहेंगे तो क्या करूं साहिद? मेरी आंखें बेचैन है हिंदुस्तानी और अंग्रेजी लाशों को देखने के लिए। हाँ, मैंने जिंदगी बख्शी है, लेकिन इशारा भी किया कि वो इस जंग में हमारा साथ नहीं देगा, पर वो चाहता है जीत हमारी हो। इंशाल्लाह। लेकिन हमें आपकी फिक्र होती है, जख्मों पे मरहम लगाने का वक्त भी नहीं देते आप। ये जख्म जरूरी है दुश्मन की याद को जिंदा रखने के लिए, लेकिन खुद का ख्याल रखना भी तो जरूरी होता है। तुम गले लगा लो, वही मरहम है। सर कलम कर देंगे हम इसका।
अगर इस गुस्ताखी की वजह कोई खुशखबरी है तो ठीक है, वरना गुस्ताखी माफ हो सरदार, लेकिन खबर इतनी जरूरी थी कि आपकी इजाजत लेना भूल गया। दरअसल हम लोग सारा गाड़ी पर नजर रख रहे थे और शमशेर घायल हो गया और पकड़ा गया, लेकिन मैं बच गया। जनाब सारा गाड़ी पर सैकड़ों हिंदुस्तानी सिपाही है। जो खबर मुझको मिली है उसके हिसाब से तो 20 से 25 सिपाही। तुमको इतने सारे कैसे देख गए? गिनने का वक्त नहीं था सरदार, लेकिन इतना तो तय है कि वहां पर 1000 से ऊपर सिपाही है। सारा गढ़ी के आसपास उन्होंने एक चाल सा बन रखा है, इसलिए तो हमारा दोस्त उनका शिकार बन गया। मन तो करता है तुम्हारा सर कलम कर दूं, लेकिन जा तुम्हें बख्श दे, दफा हो जाओ। दुश्मन की ताकत बढ़ती जा रही है शायद, अब इससे पहले वो सारा गिरी को एक मजबूत किले में बदल दें, उन पे हमला बोलना पड़ेगा। उनके कदमों को रोकने का वक्त आ गया। ऐलान है जिहाद का वक्त आ गया। हिंदुस्तानियों की बीवियां शमशीर से अपनी उंगली काट कर अपने शौहर को तिलक करती हैं, ऐसा सुना है हमने। इसे हमने अपने खून से रंग दिया है। आपको उस खून की कसम। इसे म्यान में तभी रखिएगा जब ये उन सारे हिंदुस्तानियों के खून से नहा जाए। इंशाल्लाह फतेह आप ही की होगी। अगर हमारी फतेह ना भी सही है, तुम्हारी आखिरी मुलाकात हमारी खफन वाली लाश से होगी। कुछ नहीं होगा आपको, आप लौटेंगे जरूर, और वो भी उन सभी हिंदुस्तानियों के सिर लेकर। और तब तक ये शायद आपका इंतजार करेगी। अल्लाह आपको अपने अमान में रखे।
सब तैयार? जी, हाँ जी, दुश्मन की फौज मुझे हजार में लग रही है। ये संदेश तो जल्दी शिवाजी को देना पड़ेगा। पहला झंडा शर्मा जी, पहला झंडा दिख रहा है। दो झंडे मतलब 2000 बंदे? दो झंडे? मतलब 10 10 12 हजार बंदा है हमारे साथ। रब जाने कि इन्होंने पहले किस पोस्ट पे हमला करना है। ये तो अलग अलग तरफ जा रहे हैं। Stop.
2000 बंदे इधर आ रहे। Letter gives you the authority to redirect the troops from Lahore to Saragari. If you hurry, you may catch them. Please keep watching on Lahore. Reinforcements en route reaching. Thank you, sir. Durmukh. हाँ जी बाजी। वही दोनों पोस्टों पर संदेश भेजने। पंजाब जाके दो दस्ते आ रहे हैं। हमला जल्दी होने वाला है। पीछे पीछे हो गया भाजी। चंगा hold on for 6 hours. Tell you sure to abandon it will. Ajay Gulista se sandesh aa raha hai. आपका संदेश है कि पेशावर से फौजियों का दस्ता आ रहा है पर पहुंचते पहुंचते 6 घंटे लग जाएंगे यहाँ पे। चलो रवड़ी मेरा दस्ता तो आ रहा है पर पाजी 6 घंटे लग जाएंगे उनको आते आते। कोई गल नहीं काके, अब इनको ना 6 घंटे तक यहीं रोकना है। पाजी यहाँ कैसे रोकेंगे, वो तो तीनों तरफ जा रहे हैं। और रोकेंगे, जरूर रोकेंगे। हीरा जी पाजी एक काम कर, जी जनाब। देखो जनाब, एक हिंदुस्तानी सिख फौजी है। ओए तलाशी लो इसको। जी जनाब। जनाब
पेशावर से बरतानिया फौज का पैगाम आवे 4000 दस्ते असला और बारूद लेकर वहां पहुंच गए गोलिस्तान सारागिरी और लॉकर्ट की हिफाजत के लिए। शमशेर ठीक कह रहा है, उसने 1000 से ज्यादा बंदे देखे हैं। ये बंदा अपना पैगाम लेकर वहां जा रहा होगा, मर गया। दुश्मन हमसे 2 कदम आगे लग रहे हैं बादशाह, पर खुदा तो मेरा हमारे साथ है महमूदुल्लाह। दुश्मन का सारा खबर उनको पहले मिल जाता है। किस तरह मुकाबला करना है अब्दुल बादशाह? वैसे ही जैसे पहले तय किया था क्या फिर? और पहले हमने तय किया था कि हम एक ही वक्त पर 3 किलों पर हमला करेंगे, लेकिन अब हालात बदल गए। अब मुझे लगता है 3 किलों पर पेशावर से फौज आ चुकी है हिफाजत के लिए। अब हम एक ही वक्त पर सिर्फ एक ही किले पर हमला करेंगे। सबसे पहले सारागिरी, ताकि गोलिस्तान और लॉकर्ट के बीच कोई पैगाम न मिल सके। दुश्मन की रीढ़ की हड्डी को तोड़ेंगे तो फतेह हमारी होगी इंशाल्लाह। भाई सोना है, बाकी 10 तो मैं पैगाम भेज दो। वापस बुलाया है, हम सारागढ़ी की तरफ बढ़ेंगे। गुलपाशा ने वापस बुलाया है, वापस चलो। जनाब, गुलपाशा ने वापस बुलाया है। वापस बुलाया है? चलो दोनों को वापस लाओ। अपना जुगाड़ कम कर गया। और जिस औरंगजेब की लाश को तूने हिंदुस्तानी वर्दी पहनाकर भेजा था, लगता है वो स्कूल बादशाह के हाथ पड़ गई है और इसने हमारा संदेशा पढ़ लिया है। तभी इसने अपना इरादा भी बदल लिया। अब इसे ऐसा लग रहा होगा कि हमारे फौजी दस्ते बढ़ चुके हैं और रोक लिया हमने इसे लुकाट और गुलिस्ता जाने से। अब ये अपने 12,000 बंदे लेके हमारी ओर आ रहा है। बस एक बारी पेशावर से बंदे पहुंच जाए, फिर हमें ये जंग जीतने से कोई नहीं रोक सकता। आजा, ओए आजा गुल बादशाह, आजा। Thank you.
Why is the entire army of about 12,000 moving toward Sarigami? But why is Gulatek in Sarigami first? How on earth will Isha stop this huge army? Inform Gulistan that the troops will be there as soon as possible. के सामने एक सिख कल हॉकिंग को SOS भेजो, सारागढ़ी को मदद की जरूरत है, वो सिर्फ 21 है। मेजर साहब का संदेश है साहब, सारागढ़ी को मदद की जरूरत है। Send a message to Ishar Singh. Leave Sarigami immediately. जी साहब। छोड़ दो। ईश्वर पाजी, कर्नल साहब का संदेश है, सारागढ़ी पोस्ट छोड़ने को बोल रहे हैं वो। लिख के हमारे पास तरकीब है, जब तक पिशावर से बंदे आते हैं हम इन्हें यहां रोक सकते हैं। हम पे भरोसा रखे, ये भी लिखो। हर बॉस की जिम्मेदारी जरूरी है, ऐसे कम नहीं चलता। और हमें क्या पता दुश्मन ने कब किस पोस्ट पर हमला करना है। हर बॉस की बराबर सुरक्षा होनी चाहिए। लुकआउट पे औरतें और बच्चे भी हैं, कुछ भी हो सकता है। पाजी, उनका वापस संदेश आया है, वो कह रहे हैं हम जब चाहे पोस्ट छोड़ सकते हैं। और क्या? और पेशावर से लोखाट और गुलिस्ता के लिए संदेश है कि वो लोग अपनी पोस्ट बना कर रखें। तू जो आप भेज, लोखाट को भेज कि अपनी पोस्ट की सुरक्षा करें। ठीक है भाजी। कहता कि पेशावर हेडक्वार्टर से खबर आई है। हाँ जी, पर पाजी, हाँ, इसका मतलब हमारी मदद करने कोई भी नहीं आएगा। ओए काके, ये वक्त ना मदद की राह देखने का नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए गुरमुख, हमने ना इस गुलबादशाह को इसका परचम यहाँ पे नहीं लेना देना। ओए, हमें के शेरी बड़े काफी है इसके लिए, है कि नहीं? बिल्कुल पाजी। चल जा, जिस संदेश आए तो मुझे बता देना। हाँ जी। और तैयार हो जा सारे फौजी, जल्दी। Thank you.
से किसी फौजी दस्ते को जाते देखा है? नहीं जनाब, हमने किसी को नहीं देखा। लाहौर का रास्ता यही है ना? जी यही है। ठीक है, शुक्रिया। तरकीब काम कर गई, रुक गया कुल बादशाह, पर इस पर भरोसा नहीं करना, कभी भी हमला कर सकता है। सब तैयार रहो। वो हिंदुस्तानी फौजी की जेब से जो पैगाम मिला था वो सही था। मैं मतलब हमने सोचा था कि हमको सारे गिरी पर कब्जा करने के लिए एक घंटा लगेगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि दोगुना वक्त लगेगा। और पहले हम सारे गिरी पर अपना परचम लहराएंगे, उसके बाद बाकी के दो खेलों की तरफ कुछ करेंगे। Thank you.
सब लोग अपनी पोजीशन पर। पोजीशन बदलते रहो। उड़ा साइकिल को ऐसा लगना चाहिए कि बंदूकें बंदूकें चला रहे हैं। तैयार एक हमारे रेजिमेंट के 21 सिपाहियों की फिक्र होने लगी है। कुल बादशाह के हमला करने के तौर तरीके से हम सब अच्छी तरह वाकिफ हैं। वो छुप कर वार करने में माहिर है और अब की बार करीब आने तक हमें आहत भी होने नहीं देगा। आसमान में 12 लोगों का घेरा है, इसका ये मतलब है कि 3 पोस्ट से मैसेजेस हम तक नहीं पहुंचेंगे। सारा गरी में क्या चल रहा है इसकी खबर भी हम तक नहीं आएगी। पेशावर से हमारी फौज निकल चुकी है लेकिन ये कहां पहुंची है हम नहीं जानते, और अगर इस दौरान उन पर हमला भी हुआ तो ये खबर हम तक नहीं पहुंचेगी। इसलिए हमने तय किया है कि हमारे सिपाहियों की पेट्रोलिंग यूनिट दुश्मन के हर मूवमेंट पर नजर रखेगी और उनकी खबर हम तक पहुंचाती रहेगी। हम तैयार हैं साहब। नहीं, तुम दोनों नहीं, तुम दोनों की यहां जरूरत है। दुश्मन हम पर कभी भी अचानक हमला कर सकता है। लाल सिंह जी साहब, उत्तम सिंह जी साहब, अमर सिंह जी साहब और निहाल सिंह जी साहब, तुम सब जाओगे। साहब तो मैंने कुछ करने का मौका ही नहीं दे रहे। सही कह रहा पहलवान, एक तो पहले मुझे सुंदर से अलग कर दिया और अब किले से भी बाहर नहीं जाने दे रहे। What's happening in Saragadi? No communication possible with any other posts. There's no movement of the enemy either. Kul has been quiet for some time. Kulip Singh! Yes, sir. Samne gate mein aaj se hamari do patrolling units tainat rahenge. Aur dushman ki har movement ki khabar hum tak pahunchati rahengi. Yes, sir. Yaad rahe. Heliographic badlon ki wajah se kam nahi karenge. Yes, sir. सिंह और पुतले खड़े कर दे सारे। कुरमुख, कुछ हुआ काके? कुछ नहीं हो रहा पाजी। Yeah!
आ जा। ओ भाई गुरु नहीं क्यों होया? ओ भाई जिसका डर था हारे बंदे सारे। Yeah, but
जल्दी दुश्मन ने जितने भी बुत खड़े किए हैं तो का निशान है उन पर लगाया जाए सही पहचाना गुलबादशाह एक नकली फौज के डर से हम आगे बढ़ने से कतरा रहे थे दुश्मन की चाल को समझे ही नहीं सही पहचाना ऐशर सिंह गुलबादशाह और जय की लाश को सिख के लिबास में भेजा रहा वो बेवकूफ बना है और ये फौजियों को पुतला रास्ते में रस्सियों और पंजियों का जाल हौसला है उसमें पर अभी उसको अंदाजा होगा कि हमको उसके हर जाल की खबर है लगता है सब कुछ समझ गया गुलबादशाह कि हमने किस तरीके से उसे हराया था ओए अब उसे किसी भी बजूके का कोई डर नहीं है वो कशेर की तरह आ रहा हमारे पीछे बाजी आपका दिमाग तो बंदूक की गोली से तेज चलता है
बूटा राम सुंदर हीरा जल्दी आगे मेरी बात सुनो पहली कितना आगे पीछे वाला दस्ता सौ बंदों का पूरा दस्ता जाना चाहिए नीचे 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 निकले निकले और निकले सबसे बाद उसी पे सालार शहीद हो गया ये हुई ना बात मेरे भतीजे हमारे एक सिपाही की जान हमने कम से कम नहीं तो 2000 से 3000 बंदाओं का खत्म कर दिया और किसे लगता है मौत का डर इधर किसे लगता है मौत का डर और मौत का डर बंदे को मरने से पहले ही मार देता है कौन है यहां पर वो बुजदिल जो पहले ही मर चुका है कुछ हमारे मन में मौत का खौफ हो ना तो रहता खून ना खून नहीं रहता पानी बन जाता है कोई बंदा यहाँ पे जिसकी रगों में पानी बह रहा है कोई नहीं बाजी और जंग ना हथियारों से नहीं जीती जाती न बड़ी बड़ी फौजों से जीती जाती है जंग हिम्मत से जीती जाती है हौसले से जीती जाती है ना हारने वाले जज्बे से जीती जाती है और ये जो बंदा है ना कुल बादशाह इसके इरादे नापाक है तुम्हारी जमीन पर पांव रखकर रोकना चाहता है ये उसे बस बच्चों और औरतों का कत्ल करेंगे तो ही तो पहुंचते हमारे पास लगाट ते गुलिस्ता टीवी साहब रहते हैं लगाट में नेम साहब और हमको कैसे मारना है उम्मीद अपने बच्चों की तरह उनकी रक्षा ऐसे करनी है चक्का हम अपने परिवार की करते करेंगे कि नहीं उन्हें तक दुश्मन को पहुंचने से पहले हमारा सामना करना पड़ेगा
ये तो साहस है ना, मारी नहीं है, सच्चे बादशाह की है। ये जिंदगी मारी नहीं है, कैसी चली गई, ते चली गई। कोई सवाल से कोई शक नहीं बाजी। कोई मैसेज सारा गरी से? नहीं सर। इसका मतलब सारा गरी का हेलियोग्राफ काम नहीं कर रहा और गुलिस्तान से भी कोई मैसेज हम तक नहीं पहुंच सकते। इसका मतलब हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमारा फौज का दस्ता कहां पहुंचा है। Damn it! Have to try and touch base and find out what is happening. Have they been asked to retreat? And if yes, then why are they still firing? And who is doing the firing? Stop. Hum dusri paltan lekar saragari jayenge. Balwinder, tum bhi saath chalo. Ji sir. Saragari ko hamari madad ki zarurat hai. Hum taiyar hain sir. Kala Singh, tum har waqt yahi rahoge. Aur jab bhi koi khabar aaye, hame turant khabar kar dena. Ji sir. यही मुस्तैद रहूंगा। बलविंदर, तुम दूसरी दस्ती को मिशन तैयार करो। आज यहाँ पे सारा बंदा सुगरू से नहीं है, परदादे से नहीं है और ना ही कोई बंदा लोहा से है। आज हम सब सरफरोश है, हिंदुस्तानी है। बोले Thank you.
आज जीवा सिंह तुम्हारे पराठे सेकेगा। और बाबा आप क्यों परेशान, आप चिंता मत करो, फौजी दस्ता आ ही रहा, सब ठीक हो जाएगा। I'm missing Hira Singh. Now I'll never get to see him. मैं भी अपने भाई को कभी नहीं देख पाऊंगा, काश मैं उसके साथ होता तो मैं उसकी जगह शहीद हो गया होता। वो ही अकेला नहीं, बाकी सब भी मेरे भाई हैं। आज उन सब की याद आ रही है। सारा गाड़ी भाई साहब आधे मील की दूरी पर है, चलो जल्दी। तो दुश्मनों के साथ तो बहुत करना होता। इशर भाजी अपना फौजी रास्ता मत पहुंचने वाले। थैंक यू सपोर्ट फॉर ईच अदर। हां सुनो नहीं करेगा सारे के लिए हार गया। अग्निस्नान जरूर करवा देगा। ये शहादत भी किसी किसी खुशनसीब को नसीब होती है। अभी हम तुम्हारा सर कलम करके अपने बेटी को जाएंगे। अपना फौजी रास्ता मत पहुंचने वाले।
हो जो सरफरोश हम ये माटी ही बनेंगे सारे। लो पाजी संदेश आना शुरू हो गया है। ओ पाजी बताओ मैंने। अरे कोई मैं करूं क्या संदेश भेज रहा है? छह शून्य अभी तक कोई मदद नहीं पहुंची मुझे। वाहेगुरु मेहर कर मुझ पर, मेहर कर वाहेगुरु मेरे मालिक। क्या खबर है? कुछ भी नहीं। काले सिंह, कोई भी जवाब क्यों नहीं आ रहा है? पता नहीं मेम साहब, डर लगता है ये सोचकर कि कहीं ऐसा ना हो कि खबर देने वाला ही शहीद ना हो गया हो। जब से ये जंग छिड़ी है हम सिर्फ शहीदों की गिनती ही कर रहे हैं। सिर्फ कर्मों की एक ऐसा है जो संदेश भेजना जानता है। ऐसा ना हो कि कहीं वो भी। हे वाहेगुरु मेहर कर, मेहर कर उन सब पर।
मेरे जवानों, नाराज नाराज मत हो तू। अरे अब हम 36 रेजिमेंट के सिर पर 6 साल फरोश बचे हैं। ओ अब तक यहाँ पे कम करने वाला सिर्फ मैं था, मलदारी ईशा सिंह। लेकिन अब तुम सब अफसर हो। हुकुम देने वाला कोई है? पिनाई लेने वाला दुश्मन जरा भी तादाद में हमारे सामने? और जब तक हमारी आखिरी सांस चलेगी तब तक हम इसे अपना परचम याद लाने नहीं देंगे। गुलबाज का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। Thank you.
हर पड़ोसी की अपनी मर्जी हमें बुलाए यानी व्यक्ति surgical delivery. Madam, deep breaths. Deep. I talk to her husband? Can I talk to her no, husband? It's not going to be possible. We don't know where he's reached. We can only send a message to Salagari and we're not getting a response. It's possible that the only man who can send and receive messages is no more. Is it true? से संदेश आने की उम्मीद नहीं रखती। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूं उनकी मदद करने। ये करा भाजी, मैं हूं यहां पे। वाहेगुरु आपके साथ है। मेरे भाई को मार दिया।
तेरे पास आ गया मैं, तेरी गोद में सर रख कर सब सब जाऊंगा। सब ठीक है पाजी, मेरे सराहा नहीं हुआ साहब, मुझे भी चलना आपके साथ। शुक्रिया साहब, चला जा। अपनी माँ की गोद में सर रखकर सो रहे हैं और जब तक ईश्वर से मिलता है ना, कोई इन्हें छू भी नहीं पाएगा। आप कहना वहां भी रहेगा छू भी नहीं सकते। अभी वक्त आ गया तुमको भी लाशों के साथ सलाह रहे ईश्वर से। हमको लगा सारा के लिए एक घंटे में कब से कर लेंगे, इतना वक्त बर्बाद कर दिया तुमने हमारा। और बादशाह तुझे इसकी सजा देगा, ऐसी मौत नसीब होगी कि मौत भी कांपेगी। ईश्वर सिंह मोहम्मद you
कैसे खून पसीने से तूने सारा गरी को सींचा? ये सारा गरी तेरे लिए हिंदुस्तान है, पर अभी तो सब खत्म होने वाला है ईश्वर सिंह। ये हिंदुस्तान तेरे साथ मिट्टी में मिलने वाला है। खबरदार ईश्वर सिंह। ईश्वर सिंह, ये दर गया तुम्हारा गुरूर है? हिंदुस्तान को बचा नहीं पाया, हार गया। ईश्वर सिंह सारे के लिए हार गए। ईश्वर सिंह सारा के लिए हार गया। ईश्वर सिंह गुलबादशाह से हार गया। हाँ, अभी हम तुम्हारा सर कलम करके अपने बेबी को देंगे। इसको आपको बहुत खौफ है, अगर इस कमरे में आग लगा दी हो तो उसका हौसला परस्त हो जाएगा। ईश्वर सिंह कैसे खौफ के मारे छुप के बैठा है? और मैं तेरे सामने खड़ा हूं, बर्दाश्त नहीं कर सकता।
सुंदेशर से। जब तक मेरी सांस चलेगी ना तब तक ये सलागड़ी हमारी है। अल्लाह अल्लाह तो ठीक है फिर अपने आखिरी सांस की तैयारी करें ऐसे सही। Let's go inside.